जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए, तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज पर हम मैजिशियंस लेकर आए, जो चीज आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर, कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है, मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू। अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा, किसकी फेसबुक से? अब फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा? किसी ने आपको बता दिया होगा। मूर्खता की बातें किस किस का बताएंगे, कौन बताएगा, कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है। हमारे पास तो अभी तक ऐसा मिला नहीं है, आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को? बिल्कुल, उनको भी चालू कर देना चाहिए, उनके बाप में अगर दम हो तो ये शुरू कर देना चाहिए। 3 दिन में पोल खुल जाएगी। हमारा 11 साल से दरबार लग रहा, दादा गुरु 40 साल तक लगाते रहे, सन्यासी बाबा के समय से दरबार लग रहा है और हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान या ईश्वर या सती नहीं होती, या प्लांटेड लोग होते हैं या जानकारी ले लेते हैं, उनकी ठठरी कभी भी सामना करें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते, भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर सकते हैं। ऋषि परंपरा ऐसे... को मानने वाला, सनातन परंपरा को मानने वाला कर सकता है। अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब पर कोई डाल दे हमें थोड़ी पता है, अपना मोबाइल पर वीडियो बना के डाल, देखो जी हमने तो 10 दिन पहले बोल दिया था, हम इन सब में थोड़ी पड़ेंगे। आप सामने आ जाइए, बात कीजिए। और हमने भी चैलेंज किया था, और हमने अपने प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, तब उनकी क्या कह दें, क्यों नहीं आए, यही कह सकते हैं। आप अभी भी उनको चैलेंज करते हैं? किसी को आना हो तो आ जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। मुझे याद है शास्त्री जी वो ये कहते हैं कि आपके सेटअप में नहीं आएंगे, एक न्यूट्रल सेटअप में वो आपको बुलाकर और आपके आ जाए भाई, वो न्यूट्रल सेटअप अपना लगा लें, हम यहाँ पर रहते हैं, वो लगा लें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, हम अपना 1-2 घंटे का समय निकाल लेंगे सेवा से, बाकी इतना ज्यादा टाइम नहीं हम निकाल लेंगे, 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जंगल में सेटअप लगा लें, क्या दिक्कत। जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे।